नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नरेंद्र मोदी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर हम टाइप करेंगे नरेंद्र मोदी ऐप। उसके बाद जो ये नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो जो दिख रहा है जिसमें लिखा है नरेंद्र मोदी ऐप, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन की ऑप्शन आएगी, तो हमने ओपन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमारी नमो ऐप खुल जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हमने साइन अप करना है, तो साइन अप वाले बटन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन्स भरनी है, जैसे नाम हो गया, हमारी ईमेल आईडी, और हमने नमो ऐप के लिए एक नया पासवर्ड भी क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमने उस पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। जो हमने पासवर्ड वाले टैब में जो पासवर्ड डाला है उसको हमने कंफर्म पासवर्ड वाले टैब में भी वही डालना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद हमने एक इनविटेशन कोड डालना है। इनविटेशन कोड है EE27JX-F। जैसे ही हम इनविटेशन कोड डालते हैं तो उसके नीचे दो बॉक्सेस आपको शो होंगे, जिसमें पहले वाले बॉक्स के आगे लिखा होगा आई वांट टू वॉलंटियर, उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आई एग्री टू शेयर माय नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर टिक करना है। टिक करने के तुरंत बाद हमने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा, वेरीफाई योर ईमेल। तो हमने अपनी जीमेल में जाना है, उसके अंदर एक वन टाइम पासवर्ड जो कि नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट से आया होगा, हमने वो चार अंकों वाले ओटीपी को यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद इसको सबमिट करना है। आगे वाले इंटरफेस में हमने कुछ परमिशंस अलाउ करनी है। परमिशंस अलाउ करने के बाद हमने सबसे ऊपर टॉप पे यूज़र वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब हमने जेंडर सेलेक्ट करना है, स्क्रीन नेम डालना है, स्क्रीन नेम हर एक यूज़र का जो कि नमो ऐप यूज़ करता है, हर एक यूज़र का अलग डिफरेंट स्क्रीन नेम होगा। तो हमने इस टाइप का स्क्रीन नेम डालना है जो कि और यूज़र से डिफरेंट हो। उसके बाद नेम डाल दिया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंट्री इंडिया, स्टेट हिमाचल प्रदेश, या आपकी कोई भी स्टेट है वो डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा हमारी मंडी है तो मंडी डालेंगे, विधानसभा नाचन है तो हम नाचन डालेंगे, या किसी और की कोई भी लोकसभा या विधानसभा है वो अपनी अपनी डाल सकता है। वोटर आईडी कार्ड से अपने वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अपने प्रोफेशन के बारे में, जो भी हमारा प्रोफेशन है हम उसके बारे में जानकारी साझी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अबाउट मी और प्रोफाइल, जो भी आपकी प्रोफाइल है या अपने बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। उसके बाद डन करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमने अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है। नरेंद्र मोदी ऐप पर हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी रख सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए सबसे टॉप पे जो यूज़र का आइकन बना है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएगी, कैमरा गैलरी, अगर हमने कैमरे से फ़ोटो लेना है तो हम कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर गैलरी में ऑलरेडी हमारा फ़ोटो पड़ा है तो हम उसको भी सिलेक्ट करके उसमें रख सकते हैं। इसी के साथ हमारी नरेंद्र मोदी ऐप यूज़ करने के लिए रेडी हो चुकी है। धन्यवाद। जय भाजपा, जय श्री राम, जय भारत।